हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जसमीत सिंह और आप देख रहे हैं जीएस फिटनेस चैनल। आज के मैं व्लॉग में आपको बताने वाला हूं कि पानी की बाल्टी से आप वर्कआउट कैसे कर सकते हैं फुल बॉडी का। हाँ जी, आपको सिर्फ दो पानी की बाल्टी चाहिए होगी और उससे आपका पूरी बॉडी का वर्कआउट हो जाएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो देखिए वीडियो। तो फ्रेंड्स, आपको बाल्टियाँ ले लेनी है ऐसी दो। पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, एक्सरसाइज पे डिपेंड करता है कि कौन सी एक्सरसाइज पे हम ज़्यादा वेट उठा सकते हैं और कौन सी एक्सरसाइज पे हम कम। तो अपने हिसाब से आप पानी भर सकते हैं एंड जो मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ उनको ध्यान से देखना। मैंने सारी मिक्स मैच एक्सरसाइजें बताई है, आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो। ये बाइसेप की एक्सरसाइज है, क्लोज ग्रिप बाइसेप। आपको अपनी बॉडी नहीं हिलानी, मूवमेंट का ध्यान रखे, अपने हैंड को एकदम स्टेबल करते हुए उठाना है। 3 सेट कर सकते हैं आप इसके। फिर उसके बाद आप वन हैंड बाइसेप कर सकते हैं, जैसे हम जिम में डंबल लगाते हैं एक हाथ से, इसके भी आप 3 सेट कर सकते हैं। 15, 12, 10 रेपिटेशन अपने हिसाब से रैप रख सकते हैं आप। अब जिम इक्विपमेंट्स नहीं हैं तो कैसे न कैसे हमें वर्कआउट तो करना ही है, डेडिकेशन हाई रखना है अपने अंदर का, तो ये आप घर पे पानी की बाल्टी से वर्कआउट कर सकेंगे। अब ये है रिवर्स बाइसेप कर्ल, इसके भी आप 3 सेट लगा सकते हैं। अभी तक मैंने जो बताई है बाइसेप की एक्सरसाइज बताई है, अब मैं आपको शोल्डर के भी एक्सरसाइज बताने वाला हूँ। एंड ये शोल्डर की है एक्सरसाइज, आप हर एक्सरसाइज के 3 सेट लगाए आराम से, 12 रैप 15 रैप 10 रैप, जैसे आपको सही लगे रेपिटेशन अपने हिसाब से ले। वन हैंड से भी आप फ्रंट शर्क कर सकते हैं, फ्रंट राइज दोनों हैंड से आप कर सकते हैं। आप चाहो तो दोनों हैंड से एक साथ भी कर सकते हो और आप अलग अलग हैंड से भी कर सकते हो। फ्रंट राइज में, फ्रंट राइज एक्सरसाइज में आपको ये गलती नहीं करनी, अपनी बॉडी को इस तरह से हिलाना नहीं है, वेट उतने ही डाले जो आप इजी उठा सके। चेस्ट स्ट्रेट रहेगी आपकी, अप रहेगी चेस्ट, और आप इस हिसाब से मूवमेंट ले। मूवमेंट का बहुत ध्यान रखें, इंजरी होने के चांस हो सकते हैं नहीं तो आपको। एंड ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है शोल्डर की, ये बैक से होते हुए शोल्डर, हमारे जो शोल्डर होते हैं ना बैक से अटैच होते हैं, तो बहुत सपोर्ट करती है उन शोल्डर को। आपके कॉलर के लिए एक्सरसाइज है ये, कॉलर को आपको इम्प्रूव करेगी। शोल्डर की अब मैं आपको साइड राइज एक्सरसाइज बताने वाला हूँ। पैर का मूवमेंट देख ले ध्यान से, इतना गैप रहेगा, आगे वाला पैर एकदम स्ट्रेट रखेंगे और पीछे वाले पैर को आप हल्का सा टिल्ट करेंगे, मतलब टेढ़ा, और अपने हिसाब से पानी भर ले बाल्टी में। ज़रूरी नहीं है कि हम ज़्यादा हैवी वेट ही उठाए, अपनी बॉडी को इस तरह से नहीं करेंगे, आप स्ट्रेट रखते हुए आप हल्के से झुकाएंगे, चेस्ट अप रहेगी, बॉडी स्ट्रेट रहेगी और हल्का सा आप आगे बॉडी को लेके जाएंगे। मूवमेंट को बहुत ध्यान से देख ले, क्योंकि इस एक्सरसाइज, अगर ये एक्सरसाइज गलत होगी तो आप इंजर्ड हो सकते हो। इस तरह से नहीं करना है आपको, बॉडी को हिलाना नहीं है पूरा, इस तरह से बिल्कुल भी ना करें, बॉडी स्ट्रेट रखे, हल्की से आगे झुकाए और इस तरह से आप मूवमेंट करें। अभी मैं आपको एंगल चेंज करके बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए इस एक्सरसाइज को, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये शोल्डर के लिए। आपके जो कंधे हैं वो इससे ब्रॉड होंगे और हाथ का एंगल भी इस तरह से रहेगा प्रॉपर। ये एंगल बिल्कुल भी नहीं लेना, इंजर्ड हो जाओगे आप इससे। आपको जो हाथ का एंगल लेना है इस तरह से ही लेना है, वो बाल्टी यहाँ आके रोक देनी है और यहीं से ऊपर जानी है। फिर लेफ्ट साइड से भी आप ऐसे लगाएंगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि यार मूवमेंट का ध्यान रखे प्रॉपर, खासकर तो बिगनर्स जिन्होंने नया स्टार्ट किया होता है, क्योंकि शुरू में बहुत सारी इंजरीज होती है। फ्रंट वाला पैर और बैक वाला पैर पोजीशन देख ले आप मेरी, सेम इसी तरह से पोजीशन रख के आप ये एक्सरसाइज करें। और मैं सारी एक्सरसाइजें मिक्स बताऊँगा, आप अपने हिसाब से अलग अलग डेज में उसको कन्वर्ट कर ले। मैं आपको
फुल बॉडी पार्ट बता रहा हूँ कि फुल वर्कआउट बाल्टी से कैसे होगा, फुल बॉडी का वर्कआउट। अब मैं आपको लेग्स का वर्कआउट बताऊंगा, थाई की एक्सरसाइज लगाना। तो पानी अपने हिसाब से बल्ले बाल्टी में। वर्कआउट करने से पहले वार्म अप जरूर कर ले बॉडी का, उसके बाद ही आप एक्सरसाइजें शुरू करें। तो पानी की बाल्टी को इस तरह पकड़कर आप लेग्स का वर्कआउट लगाएं। मूवमेंट का खासकर ध्यान रखें, क्योंकि लेग्स के वर्कआउट में इंजरी बहुत ज़्यादा होती है लोगों को, अगर गलत मूवमेंट लेंगे तो। आपके जो पैर है, जितने आपके शोल्डर है ना, उससे हल्के से ब्रॉड रहेंगे आपके पैर, और जो आपके पंजे हैं वो हल्के से टिल्ड रहेंगे, मतलब थोड़े थोड़े टेढ़े रहेंगे। मूवमेंट का बहुत ध्यान रखें, मैं हर बार जैसे कि बोलता हूँ, और इस तरह से आपको मूवमेंट लेना है जैसे कि आप कुर्सी में बैठ रहे हैं किसी। एंड अब मैं आपको शोल्डर का वर्कआउट बता रहा हूँ, मिलिट्री प्रेस बोल सकते हैं हम इसको। हालांकि फुल वीडियो नहीं आई, पर आप समझ जाएंगे, ये शोल्डर के लिए है। पानी अपने हिसाब से भर के बाल्टी में, शोल्डर लगा के आप इस तरह से लेग्स भी लगा सकते हैं, चाहे से आप इसको सुपर सेट कर ले या अलग अलग कर सकते हैं। मैंने पहले बताया था लेग्स का वर्कआउट, ये बाल्टी को उठाकर है। अब मैं आपको लंजेस बता रहा हूँ कि आप लंजेस भी लगा सकते हैं। सारे मिक्स एक्सरसाइज बता रहा हूँ मैं, फुल बॉडी वर्कआउट घर पर ही, बिना किसी इक्विपमेंट के, किसी रोड डंबल की ज़रूरत नहीं। पानी की बाल्टी ले और वर्कआउट शुरू कर दे, बस अपना डेडिकेशन हाई रखे। लंजेस लगाते हुए आप सबसे मेन ध्यान रखें कि आपका मूवमेंट बिगड़े ना, क्योंकि लेग्स में अक्सर इंजरी बहुत जल्दी होती है। अब मैं आपको डेडलिफ्ट बताने वाला हूँ पानी की बाल्टी से ही। कमाल हो गया यार, पानी की बाल्टी से डेडलिफ्ट लगाएंगे अब हम, क्योंकि हमारे पास कोई इक्विपमेंट नहीं है। मूवमेंट देख लीजिए, आपकी चेस्ट अप रहेगी और जो आपके पैर है वो इस तरह से फोल्ड होंगे नीचे आते हुए, और ऊपर स्ट्रेच होगी पूरी बॉडी को, आप स्ट्रेच करें फील के साथ। इसके भी आप 3 सेट लगाए, हर बार पानी को बढ़ाए और ये एक्सरसाइज करें। अब मैं आपको ये बेंट ओवर बता रहा हूँ, इसके भी आप 3 सेट लगा सकते हैं। मूवमेंट का खासकर ध्यान रखें लेग्स और बैक के एक्सरसाइज में, क्योंकि इन दो एक्सरसाइजों में इंजरी तो बहुत ज़्यादा हो सकती है बिगनर्स को। एंड आप वन हैंड भी लगा सकते हैं बैक की एक्सरसाइज, इस तरह से बिंडे पे चढ़ जाए और बैट का सहारा लेकर आप एक एक हाथ से कर सकते हैं, 3-3 सेट करें आराम से। तो पानी की बाल्टी से ही फुल बॉडी का वर्कआउट, किसी चीज़ की टेंशन न ले। आपका भाई है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो टाइम टू टाइम देखे। ऐसे पानी की बाल्टी ले ले और बेड पे अपनी अपर बॉडी को इस तरह से टिका दे। ये ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज है, आप ट्राइसेप्स का भी वर्कआउट कर सकते हैं पानी की बाल्टी से इस तरह से। पानी की बाल्टी के बहुत फ़ायदे हैं यार, डेडिकेशन हाई होना चाहिए वर्कआउट करने के लिए, इंसान वर्कआउट कैसे भी कर सकता है। और ये ग्लूट का वर्कआउट है, आपने अक्सर देखा होगा रोड रख के लोग करते हैं, लेकिन हमारे पास रोड नहीं है, तो पानी की बाल्टी रख कर आप इस तरह से ग्लूट का वर्कआउट कर सकते हैं। पानी को हर बार बढ़ा दे और 3 सेट करें। ओ, पानी अपने हिसाब से डाल ले बाल्टी में। मैं अब आपको ट्राइसेप्स का वर्कआउट बताने वाला हूँ, बाल्टी को उठाकर आप ट्राइसेप्स करें, जैसे हम डंबल को उठा के जिम में करते हैं, डबल हैंड ट्राइसेप्स। इसके भी आप 12 से 15 रैप ले और 3 सेट। साइड से भी देखें, मूवमेंट का ध्यान रखते हुए करें, बस घर पे आप इंजरी ना करवा बैठे, मूवमेंट का बहुत ध्यान रखें। तो पानी की बाल्टी से वर्कआउट करने के बाद बहुत अच्छे पंप्स आए, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें, मुझे कमेंट में बताएं कि आप लोगों के पंप्स कैसे रहे।
बहुत मेहनत लगी है यार व्लॉग बनाने में, और ऐसी मेहनत मैं आप लोगों के लिए करता रहूँगा, लगातार करता रहूँगा। जिम पता नहीं कब खुलेंगे, पर आपका भाई है, बस सपोर्ट करो मुझे, चैनल सब्सक्राइब करो। हाँ जी, तो कैसी लगी आपको आज की मेरी ये वीडियो, पानी की बाल्टी से फुल बॉडी का वर्कआउट? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर तो ज़रूर करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, भाई को सपोर्ट करो अपने। ये लॉकडाउन पता नहीं कब तक चलेगा यार, कोरोना का डर लोगों में कितने टाइम तक फैलता रहेगा, जिम बंद रहेंगे, मॉल्स बंद रहेंगे, 2 महीने 3 महीने कुछ नहीं पता, शायद ये पूरा साल ही चला जाए। तो मैं आप लोगों को ऐसे ही होम वर्कआउट टिप्स देता रहूँगा कि आप घर पे बिना किसी इक्विपमेंट के कैसे ही अपने आप को फिट रखें, अपनी मसल्स को बरकरार रखें, एटलीस्ट मसल्स गिरे तो नहीं। तो मुझे सपोर्ट करो ऐसे ही, मैं आपको अगली वीडियो में फिर मिलूँगा। जय हिंद।